बागबान में नजर आए एक्टर नासिर खान याद हैं, उन्होंने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के बेटे करण मल्होत्रा का रोल प्ले किया था। नासिर खान ने और भी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर इंडस्ट्री और लोगों की नजरों से ओझल हो गए। लीजेंडरी एक्टर जॉनी वॉकर के बेटे होने के बावजूद उन्होंने फिल्मी दुनिया में किसी से मदद नहीं मांगी और अपने दम पर ही काम करने लगे। पर अब हालात ऐसे हैं कि उन्हें काम मांगना पड़ रहा है। नासिर खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कास्टिंग डायरेक्टर से काम मांग रहे हैं। वीडियो में 55 वर्षीय नासिर खान ने अपना नाम, उम्र और हाइट की जानकारी दी है। साथ ही कास्टिंग डायरेक्टर से अपील करते हुए कहा है कि वह उनके प्रोजेक्ट के साथ काम करना चाहते हैं पर ऑडिशन नहीं दे पाएंगे। कास्टिंग डायरेक्टर से अपील करते हुए वह बोल रहे हैं, मेरा नाम नासिर खान है, मेरी हाइट 5'9" है, मेरी उम्र 55 साल है। मैं सभी कास्टिंग डायरेक्टर और उनके असिस्टेंट से कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे एड फिल्म, टीवी, वेब सीरीज और हिंदी फिल्मों में काम किया है। आपने मुझे देखा होगा। अगर आप लोग समझते हैं कि मैं काबिल और लायक एक्टर हूं तो प्लीज़ मुझे कॉल या मैसेज करिए। मैं आप सबके साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन प्लीज़ अब ऑडिशन देने की ताकत और हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं न तो अब ऑडिशन दे सकता हूं और न ही देना चाहता हूं, ये साबित करने के लिए कि मैं उस किरदार को निभाने के काबिल हूं। अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी लायक हूं तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मैं काम करने के लिए तैयार हूं पर ऑडिशन देने के लिए नहीं। वहीं 2022 में दिए एक इंटरव्यू में नासिर खान ने उस दौर का जिक्र किया था जब फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया था, कोई भी उन्हें काम नहीं दे रहा था। यह 2008 से 2015 के बीच की बात है। इस वजह से वह अमेरिका चले गए और वहां की एक कंपनी के साथ काम करने लगे। वह पूरी तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कट गए थे, लेकिन अचानक ही कंपनी बंद हो गई। नासिर खान एकदम सड़क पर आ गए। उनके पास गुजारे को कुछ भी नहीं था, लेकिन नासिर खान ने हौसला नहीं टूटने दिया और फिर उन्हें वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही आना पड़ा। नासिर खान ने फिर 2016 में एक्टिंग में वापसी की और वह एक टीवी सीरियल में काम करने लगे। 2022 में वह एक टीवी शो में दिखे, पर अब फिर उनके पास कोई काम नहीं है। यही कारण है कि नासिर खान को सोशल मीडिया पर इस तरह काम मांगना पड़ रहा है। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।